हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह रावत आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे खुशी पोल्ट्री ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज अपने बर्ड फाइनली जो है 8 दिन के हो चुके हैं और 7 दिन का बॉडी वेट कितना आ रहा है वो चीज़ अपन आज बॉडी वेट करेंगे। दोस्तों कांटा लगा दिया है मैंने और इसको जीरो कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो अपन 3 तोल करेंगे तो एक साथ में अपन 10 बर्ड डालेंगे दोस्तों यहाँ पर और 10 आगे, ऐसे करके अपन एवरेज अनुमानन एक एवरेज निकालेंगे दोस्तों। हालांकि क्या होता है कि अपन जो वज़न करते हैं शेड में 19-20 चलता है, क्या तो ज़्यादा या कम थोड़ा, ठीक है दोस्तों। तो वो सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। और अब जो है बर्ड अपना पूरे शेड में, कल मैंने वीडियो बताया था दोस्तों कि पूरे शेड में मैंने स्पेस दे दिया खुला बेटा एकदम, और आज से हमने फ़ैन भी इनके चालू कर दिए थोड़े, और जैसे ही धूप निकलती है थोड़े स्प्रिंकलर भी ऊपर चला देते हैं, शेड को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको जो है 10 बर्ड इसमें डाल के दिखाता हूँ कि अपने बर्ड का आज वज़न कितना आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जीरो कर दिया है मैंने और अब जो मैं इसमें बर्ड डालूँगा। देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 बच्चे डाल दिए। 10 दिशा दिखा दो एक बार, आप भी देख लीजिए दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 वजन है। वजन देखिए दोस्तों 220 ग्राम आया इनका, ठीक है ना, मतलब कि 2 किलो 200 ग्राम है, मतलब कि 220 ग्राम ये एक बर्ड का वज़न आया। अपन अब 2 जगह और वज़न कर लेते दोस्तों। तो ये 7 दिन का वज़न है दोस्तों, जो भी फीड खा के वज़न लिया बर्ड ने वो आपके सामने है। आज 8वें दिन पे अपन इसका वज़न कर रहे हैं दोस्तों। अब अपन जो है इसको आगे लेके चलते दोस्तों, अपन वहाँ 2 जगह और करेंगे इनका बॉडी वेट, इसको निकाल लेते हैं, चलिए आ जाएंगे। यहाँ पे लगा दिया दोस्तों और अब इसको अपन जीरो कर लेते हैं। ये जीरो हो गया, अब इसमें 10 बर्ड डालते हैं अपनी यहाँ पे भी। 2, 3, 4, 5, 6, 4 बर्ड को लेकर 2 और 4, इसको भी एक बार काउंटिंग करवा देते हैं अपन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 बर्ड हो गए। वज़न दिखाते हैं दोस्तों, बिल्कुल बराबर आया इसका भी, 2 किलो 200 ग्राम, मतलब कि 220 ग्राम वज़न आ रहा है दोस्तों। एक बार और एक कर लेते हैं अपन, फिर अपना क्या फाइनली कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। ये लगा दिया दोस्तों और इसको जो है जीरो होने देते हैं। ये हो गया जीरो, अब इसमें डालते हैं बच्चे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 और ये 10। एक बार इसमें और देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 बच्चे हो गए दोस्तों। और इसका वज़न दिखा भाई, 2 किलो 250 ग्राम, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आया, मतलब कि 220 ग्राम अपने फार्म का एवरेज आ रहा है दोस्तों 7 दिन का।
ये आज 8वां दिन है और इसने जो फीड खाया वो करके, तो अभी FCR भी अपन निकालेंगे दोस्तों की, अपनी FCR कितनी क्या आ रही है। तो अभी फिलहाल की कंडीशन में जो है दोस्तों फर्स्ट क्लास चल रहा है, मॉड्युलिटी भी जो है बिल्कुल बंद हो गई है अब, क्योंकि शुरू में जो है दोस्तों इसमें फर्स्ट वीक में मॉड्युलिटी थोड़ी शो करती है, क्योंकि योग का वर्ड होता है, कोई वीक वर्ड होता है, ऐसे करके उनकी मॉड्युलिटी होती है। बाकी भी फर्स्ट क्लास है, केवल और केवल मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। निफिल में पानी पी रहा हूँ, फर्स्ट क्लास एकदम नंबर से, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी इसका दोबारा जो अपन वजन करेंगे दोस्तों, वो करेंगे अपन 14 दिन पे। तो मेरा जो है एवरेज इसके दोस्तों 20 ग्राम अगर अभी एवरेज आया ना दोस्तों, तो अपन इसका मोटा मोटा मान के चलते हैं 550 ग्राम के समथिंग इसका 15 दिन पर अपन बॉडी वेट करेंगे, 14 दिन का 550 ग्राम बॉडी वेट आराम से आएगा, तो कोई दिक्कत हुई नहीं। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, इसमें जो है अपन ये इसी कंडीशन में चलता रहेगा, उसके बावजूद भी हम इसमें इंजेक्शन कराएंगे अंबिकासीन और जेंटे का 17 दिन पे, ठीक है ना, ताकि साउंड वगैरह ये चीज़ें अपन को जो है सामना नहीं करना पड़े और आराम से अपना लोड निकल जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा टॉपिक आज बॉडी वेट का मैंने आपके साथ शेयर किया, उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, अगर आपको पसंद है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय श्री।